हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एफ़ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2 की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि 3 टॉपिक्स इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कि फेओल्स के 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं, दूसरा एफ़ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो कि इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं, और तीसरा है एफ़ डब्ल्यू टेलर की ही साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ताकि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में आज हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एफ़ डब्ल्यू टेलर के बारे में कि उनका थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या था, फिर हम जानेंगे कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उसका क्या मीनिंग होता है, और फिर हम पढ़ेंगे एफ़ डब्ल्यू टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। एफ़ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत एफ़ डब्ल्यू टेलर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एफ़ डब्ल्यू टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी माना जाता है। और जो भी आप इस चैप्टर में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ोगे, वो सब एफ़ डब्ल्यू टेलर ने ही डेवलप की हैं। हालांकि इन्होंने अपनी डिग्री 1883 में पूरी कर ली थी, लेकिन 1874 से ही यानी 18 साल की उम्र से ही इन्होंने एज एन अप्रेंटिस मशीनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कम सैलरी पर, कम वेजेस पर काम करता है, और जो पर्पस होता है काम करने का वो ये होता है ताकि वो काम की स्किल्स को, काम को अच्छे से सीख सके। और मशीनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो मशीन्स को अच्छे से चला सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो आप कह सकते हैं उन्होंने एज ए लेबर के तौर पर काम करना शुरू किया था, और फिर शॉप क्लर्क, गैंग बॉस, फोरमैन से होते हुए चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर, रिसर्च डायरेक्टर की पोस्ट पर काम करते हुए जनरल मैनेजर तक की पोस्ट पर इन्होंने काम किया। क्योंकि इन्होंने ग्रास रूट लेवल से यानी बिल्कुल नीचे पायदान से लेकर काम करना शुरू किया था, इसीलिए वहीं से इन्हें पता चला कि एक्चुअली फैक्ट्री में वर्कर्स सही तरीके से और पूरे समय काम नहीं करते हैं, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी हुई होती थी। और आगे चलकर उन्होंने इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए फैक्ट्री में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, और अपने इन्हीं रिजल्ट्स और एक्सपीरियंस को इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक के रूप में डेवलप किया। और इन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स की वजह से फैक्ट्री में जो काम बिना किसी स्पेसिफिक तरीके से किया जाता था, वो काम अब सोच समझ कर किया जाने लगा, उसके लिए एक बेस्ट मेथड यूज़ किया जाने लगा, जिससे इंडस्ट्री की एफिशिएंसी मतलब जो काम करने की एबिलिटी है वो इंक्रीज हुई, और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट भी कम हुई। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनको भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो पीस वेज सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे कि जो वर्कर ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलने लगा। तो ऑल एंड ओवर वर्कर्स और इंडस्ट्री दोनों को ही इनके प्रिंसिपल से और इनकी टेक्निक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, यानी किस तरह से आप चीज़ों को संभालते हैं। और जब किसी भी चीज़ को मैनेज करना होता है, संभालना होता है, तो मैनेजर को कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। अब जब मैनेजर ये जब डिसीजंस लेता है और अपनी मर्जी से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेता है, तो इसे बोलते हैं रूल ऑफ थंब मेथड। रूल ऑफ थंब मेथड में क्या होता है कि क्योंकि डिसीजंस मैनेजर की मर्जी से लिए जाते हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, तो इसमें पता नहीं होता है कि डिसीजंस लेने पर रिजल्ट क्या होगा और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी भी या नहीं होगी। लेकिन जब मैनेजर डिसीजन लेते समय प्रॉब्लम्स के हर पहलू पर ध्यान दें, प्रॉब्लम को डिफाइन करें, उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यानी कई सारे सॉल्यूशन को ढूंढें, और फिर हर एक प्रॉब्लम और उसके रिजल्ट में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप डेवलप करें, यानी अगर ऐसा स्टेप लिया जाएगा तो उसका रिजल्ट ऐसा रहेगा, और उसके बाद जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, जिससे बेस्ट रिजल्ट निकलेगा, उसको अपनाता है, तो उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में यानी जब मैनेजमेंट में साइंस को मिला दिया जाता है, साइंस की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, तभी कहलाता है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी जब हर किसी काम को सोच समझकर किया जाता है,
कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर एक चीज़ को अच्छे से सोचा जाता है, अपन इमरजेंसी डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, लॉजिकल डिसीजंस होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जब मैनेजमेंट रूल ऑफ थंब यानी मैनेजर के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर किया जाता है तो आने वाले रिजल्ट का पता नहीं होता। बेसिकली यह एक ट्रायल एंड एरर का मेथड होता है, यानी जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं गलतियाँ करके, वो डिसीजंस लेते हैं, गलतियाँ होती हैं, फिर उनसे सीखते हैं कि आगे ये गलतियाँ नहीं करेंगे, तो इस तरह से वो प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जब मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से किया जाता है तो पता होता है कि कैसे स्टेप्स लेने हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लिए जाते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर के वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इन इट द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जिसे आपको एग्जैक्टली यह पता होता है कि आपको अपने वर्कर्स से क्या काम कराना है, वो वर्कर्स उस काम को किस मेथड से करेंगे, कितने टाइम पर करेंगे, और फिर उस चीज़ को एग्जैक्टली वैसे होते हुए देखना, यानी यह सुनिश्चित करना कि वो काम एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। यानी पहले से ही ये डिसाइड करना कि कौन सा काम करना है, किस मेथड से करना है, किस समय पर किया जाना है। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। अब हम देख लेते हैं कि एफ डब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, बेसिकली इन्होंने चार प्रिंसिपल्स बताए हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वो क्या हैं। एफ डब्ल्यू टेलर ने जो मैनेजमेंट के चार साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए हैं उनमें से सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक एक करके देख लेते हैं कि इन प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हम लेके चलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है। बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट का काम है वो मैनेजर की मर्जी से ही होता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, उसको जो नहीं अच्छा लगता है वो नहीं करता है। क्या उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, उसको किस अच्छे तरीके से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उसके बारे में कुछ नहीं सोचता है। एक सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो मैनेजर है वो अपनी मर्जी चलाता है और वो गलतियाँ कर करके आगे चीज़ों को सीखता है। कोई प्रॉब्लम आ रही है उसने उसको ठीक करने के लिए वो स्टेप लिया, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसको लगा कि ठीक है अब यहाँ से हमें ये गलती हो गई, नेक्स्ट बार हम इसको ये गलती नहीं दोहराएंगे। तो गलतियाँ कर करके सीखना, इससे क्या होता है, इससे वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो टाइम की वेस्टेज हो, चाहे वो रिसोर्सेज की वेस्टेज हो, रिसोर्सेज या है वो वर्कर्स की मेहनत हो या फिर वो मटेरियल्स हो, तो ये जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती है जिससे प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर जो फेल्स ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का काम रूल ऑफ थंब के बेसिस पर नहीं किया जाना चाहिए, यानी मैनेजर की मर्जी लागू नहीं होनी चाहिए, ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यानी पुराने तरीकों को बिना सोचे समझे नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। वो यहाँ पर कहते हैं कि हमें मैनेजमेंट में साइंस को अप्लाई करना चाहिए, यानी साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। अब यानी सिंपल वर्ड्स में कि जब अगर कोई काम करना है तो उस काम को सोच समझ कर सही तरीके से करना चाहिए और उसके कारण और परिणाम में रिजल्ट एस्टेब्लिश करके ही उसको करना चाहिए। यानी अगर आप कोई एक स्टेप लोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, और हर एक काम को करने के अलग अलग स्टेप्स देखने चाहिए, अलग अलग स्टेप्स को ढूंढना चाहिए, और जिस स्टेप को करने से रिजल्ट सबसे अच्छा आता हो उसी स्टेप को करना चाहिए। और ये साइंटिफिक तरीका अपनाया कैसे जा सकता है, साइंटिफिक तरीका अपनाने के जो की वर्ड्स हैं वो है अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स। यानी हर किसी प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, उसको डिफाइन करो, उसे एनालाइज करो कि अलग अलग सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको कोई काम करना है तो उस काम को अच्छे से डिफाइन करो और ये देखो कि वो काम अच्छे से कैसे किया जा सकता है, उस काम को करने के अलग अलग मेथड्स क्या हैं, कितने मिनिमम टाइम में उस काम को किया जा सकता है, और उसके बाद उस काम को करने का बेस्ट तरीका अपनाना चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। देखिए पुराने टाइम में जब पढ़ाई होती थी उसमें क्या होता था, उसमें आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कि जो पढ़ाने वाला टीचर होता था वो एक ही होता था, सारे सब्जेक्ट्स वो ही पढ़ाता था और वो अपनी मर्जी से पढ़ाता था कि अगर उसका मन कर रहा है तो वो पहले मैथ्स पढ़ा लेगा, अगर उसका मन कर रहा है तो वो मैथ्स की जगह हिंदी पढ़ा लेगा, और हिंदी में भी उसका जो मन कर रहा है वो कहीं से भी कुछ भी पढ़ाता था। यानी टोटली उसकी मर्जी चलती थी, जिसकी वजह से जो रिजल्ट होते थे वो अच्छे नहीं होते थे। जबकि आज के टाइम में आप क्या देखते हो, आज के टाइम में हर एक स्कूल में ये डिसाइड होता है कि किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा
और उस सब्जेक्ट में भी किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाया जाना है, फिर पढ़ाने के बाद उस टॉपिक की टेस्ट कैसे लिया जाएगा और हर एक सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा, यानी हर एक चीज़ पहले से ही डिसाइड होती है। तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक तरीका ही तो है। यानी यहाँ पर ऐसा थोड़ा ना है कि टीचर की मर्जी चल रही है, उसका जो मन कर रहा है वो पढ़ा रहा है, या फिर प्रिंसिपल की मर्जी चल रही है, उसका जो मन कर रहा है वो करा रहा है। नहीं, हर चीज़ पहले से ही डिसाइड होती है। तो यही है साइंस, यानी हर एक चीज़ को सोच समझ कर करना, ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं करना। F.W. टेलर का जो सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसका नाम है हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझना चाहिए। हार्मनी का मतलब होता है एक साथ मिलजुल कर रहना, शांति बनाए रखना, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई या फिर झगड़ा। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। अगर वर्कर्स को किसी बात से प्रॉब्लम है तो वो शांति से अपनी बात रखे मैनेजर्स के आगे, और अगर मैनेजर्स को किसी बात से प्रॉब्लम है वर्कर्स के साथ, तो मैनेजर्स को भी शांति से काम लेना चाहिए और वर्कर्स को आराम से समझाना चाहिए। यानी सिंपल वर्ड्स में कि जो वर्कर्स हैं और मैनेजर्स हैं, आपस में किसी भी तरीके से झगड़े नहीं, किसी भी बात को लेकर, किसी भी इशू को लेकर, बल्कि उन दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल पूरा हो सके। क्योंकि अगर लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगा, उसका गोल पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम ही नहीं हो पाएगा। इसको F.W. टेलर ने एक दूसरे वर्ड से भी समझाया, जिसका नाम दिया है उन्होंने मेंटल रिवॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो थिंकिंग है उसी में पूरा चेंज करना, माइंड सेट में पूरा चेंज करना, वर्कर्स और मैनेजर दोनों के बिहेवियर में चेंज आ जाना। वर्कर्स एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें मैनेजर्स के लिए, साथ ही साथ मैनेजर्स भी एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें वर्कर्स के लिए। अगर वर्कर्स को किसी भी बात से प्रॉब्लम है तो उनको स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए, उनको काम बंद नहीं करना चाहिए, और जो मैनेजर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होता है उसमें से शेयर देना चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उसमें से बोनस देना चाहिए। मैनेजर्स को यह चाहिए कि वो वर्कर्स को अच्छे से सैलरी दें, उनको अच्छे से जो काम की कंडीशन है वो प्रोवाइड कराएं, ताकि वर्कर्स मन लगा के काम करें और उनको सैलरी के लिए, पैसों के लिए सोचना ना पड़े। जनरली जो वर्कर्स हैं वो किस लिए लड़ते हैं, वो लड़ते हैं अपनी सैलरी के लिए, अपने पैसे के लिए, या फिर जब काम की सिचुएशन ठीक नहीं होती हैं। अगर मैनेजर्स इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वर्कर्स अपने आप ही काम करेंगे, और फिर बदले में वर्कर्स को भी क्या करना चाहिए कि उनको मन लगा कर काम करना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो पूरी तरह से पूरा किया जा सके। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जापान की कंपनी से। जापानीज़ कंपनी में क्या होता है, जापानीज़ कंपनीज़ में यह एक कल्चर हो गया है कि अगर वर्कर्स को किसी भी बात से प्रॉब्लम होती है तो वो स्ट्राइक नहीं करते हैं, वो हड़ताल पर नहीं जाते हैं, और ना ही काम बंद करते हैं। वो एक ब्लैक बैच पहन लेते हैं, जिससे यह शो होता है कि वो किसी बात से गुस्सा है, और काम कम करने के अलावा या फिर काम बंद करने के अलावा वो और ज़्यादा काम करते हैं, ताकि मैनेजर्स का ध्यान उनकी तरफ जाए और मैनेजर्स ये समझे कि इनको प्रॉब्लम होते हुए भी ये कंपनी के लिए कितना सारा काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली फिर मैनेजर्स उनकी बात को भी सुन लेते हैं। तो इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, सिंपल, कि मैनेजर्स और वर्कर्स आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि एक पीसफुली एनवायरनमेंट बना के रखें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल ईजिली अचीव किया जा सके। थर्ड जो प्रिंसिपल है F.W. टेलर का, वो पिछले वाले प्रिंसिपल का ही एक एडवांस वर्जन है, या फिर एक एक्सटेंडेड वर्जन है। यानी जब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाले प्रिंसिपल को आगे ले जाया जाता है तो वो बन जाता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाए और मिलजुल कर काम किया जाए। कोऑपरेशन का मतलब यही होता है कि मिलजुल कर काम करना। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, एक तो मैनेजर्स का और दूसरा होता है वर्कर्स का। अब पहले वाले प्रिंसिपल से यह तो सीख लिया आपने कि मैनेजर्स और वर्कर्स आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक पीसफुली एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। अब कोऑपरेट कैसे करना है एक दूसरे के साथ, उसके लिए मैनेजर्स को सबसे पहले एक स्टेप उठाना पड़ेगा, और वो स्टेप यह है कि उनको वर्कर्स के सजेशन का वेलकम करना पड़ेगा। अगर वर्कर्स कोई आइडिया लेके आते हैं, कोई सजेशंस लेके आते हैं मैनेजर्स के पास,
तो मैनेजर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो वर्कर्स के सजेशंस को सुने, उनके आइडियाज़ को सुने, और अगर वो अच्छे हैं और अगर वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो उनको सुना जाना चाहिए और उनको ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं वो प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और फिर वो खुद से ही है सोचते हैं, खुद से ही है सर्च करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, वो जो काम कर रहे हैं उसको और कितने अच्छे ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वर्कर्स हैं काम वही करेंगे। और अगर वो अपने तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपनी मर्जी से नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, तो उनका अपने काम में मन भी लगा रहेगा। और अगर मैनेजर्स कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो उनसे पहले मैनेजर्स को वर्कर से भी बात करनी चाहिए कि हम ये पर्टिकुलर डिसीजंस लेने वाले हैं, इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, आपकी इसमें क्या राय है। तो इससे क्या होगा कि इससे एक वर्कर्स में कॉन्फिडेंस आएगा, उन्हें लगेगा कि मैनेजर्स हमारी बात सुनते हैं और कंपनी में हमारी भी कोई वैल्यू है, जिससे वो ऑटोमेटिकली मैनेजर्स के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, उनका विरोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके अलावा वर्कर्स को क्या करना चाहिए, वर्कर्स को वही सबसे पहले तो किसी भी तरह की स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, हड़ताल नहीं करनी चाहिए, उन्हें काम को रोकना नहीं चाहिए और बेफिजूल की जो डिमांड होती है वो नहीं करनी चाहिए, यानी कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए जो मैनेजर्स पूरा ना कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा ना कर सके। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रही है और वर्कर्स कह देते हैं कि हमारी सैलरी को बढ़ाओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन जा रही है लॉस में, तो जब वो लॉस में चल रही है तो वो सैलरी को कैसे बढ़ा सकती है। इसीलिए वर्कर्स को सिचुएशन को देखकर ही अपनी डिमांड करनी चाहिए, ऐसी कोई डिमांड ना करें जो कंपनी पूरा नहीं कर सकती है। और इन सब के लिए क्या करना चाहिए, इन सब के लिए मैनेजर्स को चाहिए कि वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में लाएं, जिससे कि वर्कर्स जब चाहें मैनेजर से जाकर बात कर सकें और अपना सजेशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजर्स के सामने रख सकें। फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना, उनको इस तरह से डेवलप करना कि वो अपनी हाईएस्ट प्रॉस्पेरिटी और एफिशिएंसी को अचीव कर सके, यानी वो जितना अच्छे से काम कर सकते हैं उतना अच्छे से वो काम कर सकें, और अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी, उनके जो वेजेस हैं वो भी बढ़ेगा। FW टेलर का यह भी मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है, जो एफिशिएंसी है, वो उसके एम्प्लॉयज़ पर ही डिपेंड करती है, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे तो काम भी अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अच्छे से काम करेगी। और अगर एम्प्लॉयज़ बेकार हैं, वो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। यहाँ पर टेलर यह कहते हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंट बनाना है, उनको प्रॉस्पर बनाना है, तो यह काम सिलेक्शन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी सबसे पहले साइंटिफिकली सिलेक्शन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते टाइम यह पता होना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए, किस जॉब के लिए उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, फिर जो एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, वो उस जॉब के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर कंप्यूटर पर काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए तो उनको अच्छे से कंप्यूटर चलाना चाहिए, उनको कंप्यूटर की सारी नॉलेज होनी चाहिए, और अगर मशीन पर काम करने के लिए कोई वर्कर चाहिए तो उस वर्कर को मशीन को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मशीन्स कैसे ऑपरेट होती हैं, और अगर मशीन में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको साथ ही साथ वो भी पता होना चाहिए, यानी एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द जॉब। उसके बाद है कि एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के बाद उनको काम भी उसी के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए जो वो काम कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में एक मैथ्स का टीचर है, वो मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन उसको मैथ्स पढ़ाने के साथ साथ उसको हिंदी पढ़ाने के लिए भी दे दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो हिंदी अच्छे से पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। यानी सिंपल वर्ड्स में यही है कि जो पर्सन जो काम कर सकता है उसको वही काम दिया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद है कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, काम को किस तरीके से और अच्छे से किया जा सकता है इसको बताने के लिए, और नए नए जो चेंजेस आए हैं उनको सिखाने के लिए एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप होती रहे और जो उनकी अर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़े, क्योंकि स्किल्स डेवलप होंगी, उनको नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, तो वो काम भी अच्छा करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे, जिससे कि उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी। ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स बढ़ती हैं, एम्प्लॉयज़ की लर्निंग बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, तो वो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा इनकम भी होती है। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन है
उसका आउटपुट बढ़ता है, उसका जो काम है पहले से अच्छे तरीके से होता है, उसके पास जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो और भी ज़्यादा प्रॉस्पर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करते हैं। अल्टीमेटली जो उसकी कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है और साथ ही साथ जो उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, तो दोनों को इससे फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू।